Hello, today we will start first chapter of plus one that is sets. Sets के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले set देखें होता क्या है. Set क्या है? एक collection है. Set simply क्या है? Simply बात कर रहे हैं. Set क्या है? एक collection है. वो collection किसी भी चीज की हो सकती है. Collection of colors, collection of vowels या फिर collection of numbers. ठीक है, तो हम अगर mathematics में बात करें तो set क्या है? Collection है. तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं. कलेक्शन की बात की हमने, प्रॉपर डेफिनेशन है. सेट इन मैथमेटिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. सेट इन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इज अ कलेक्शन. ये कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर आप मेंबर्स बोल सकते हो. वो बात करते हैं ये होते क्या है, या फिर आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो. क्या है ये? एक कलेक्शन है मेंबर्स की. जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये वोवल्स की कलेक्शन भी हो सकती है. ठीक है, तो वोवल्स की कलेक्शन क्या है? AEIOU. ठीक है, तो ये मेरे क्या है? ये एलिमेंट्स है मेरे. ये क्या है? एलिमेंट्स है. या फिर मेंबर्स बोल लो या फिर आप इन्हें ऑब्जेक्ट्स बोल लो. तो आपको, आई होप आपको सेट्स की डेफिनेशन क्लियर है. क्या है ये? कलेक्शन है. किसकी है? ऑब्जेक्ट्स ले लो, मेंबर्स, एलिमेंट्स, किसी की भी. ठीक है, तो आपको सेट को नोटेशन की बात करते हैं. सेट कोई भी सेट है तो उसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से. लेट्स से मैंने सेट ऑफ वोवल्स लिखना है तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. जो एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स होंगे, उनको स्मॉल से, ABC लाइक. ठीक है, तो हमने नोटेशन की बात करनी है. एक सेट को लिखते कैसे हैं, उसके एक सेट को लिखने का वे क्या है. इसको हम दो वेज में लिख सकते हैं. देयर आर टू वेज, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड. अगर हम रोस्टर नोटेशन की बात करें, लिखने के वे को बोलते क्या है? नोटेशन. नोटेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकती है? रोस्टर नोटेशन या फिर सेट बिल्डर. ठीक है, रोस्टर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन. थोड़ी सी हम क्या कर देख रहे हैं, इसकी थ्योरी देख रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं. इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे आपकी कि इस रोस्टर नोटेशन में दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखो. 1.1 में यही कुछ है. ठीक है, हमने क्या करना है? रोस्टर नोटेशन होती क्या, सेट बिल्डर नोटेशन होती क्या? रोस्टर, रोस्ट, बिल्डर, बिल्डिंग. रोस्टर फॉर्म क्या होगी? रोस्ट करने की इतनी सिंपल, एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में थोड़ी तो डिफिकल्टी होगी. तो इसमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस लग जाएंगी फिर बिल्डिंग बनाने में. बिल्डर याद करने का वे है. तो इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी. रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होगा, कुछ कंडीशंस लगेंगी. ठीक है, तो रोस्टर नोटेशन में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे. कर्ली ब्रैकेट्स पता है सभी को? ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे विथ कॉमर्स. ठीक है, कोमा डालेंगे. और हमने बात की थी हमेशा इसको डोनेट कर, कैसे डेजिग्नेट करते हैं, विद कैपिटल लेटर. तो अगर बोला जाए आपको, एग्जांपल देके देखते हैं. वही वोवल्स वाली एग्जांपल ले ले, सिंपलेस्ट, कि वोवल्स को सेट रोस्टर नोटेशन में लिखो. वोवल्स को रोस्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? लेट से कोई ए सेट है मेरे पास, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू. सिंपल, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे. रोस्टर नोटेशन लिखने बहुत सिंपल है हमारे पास. और एक चीज ये है कि अगर हमारे पास कोई 1, 2, 3 है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1, 2, 3 सेट लिया हमने किस फॉर्म में, ये रोस्टर नोटेशन में लिखा मैंने, रोस्टर फॉर्म में, इज इक्विवेलेंट टू, चाहे आप इसको लिख लो 1, 3, 2, चाहे आप लिख लो इज इक्वलेंट टू 1, 3, 2, 1 और एनी अदर वे, जैसे भी लिख लो आप. ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये आपस में क्या इक्वलेंट है, कोई भी आप वे लिख सकते हो यहाँ पे. और एक बात देखते हैं, अगर रोस्टर नोटेशन में हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, वही एग्जाम्पल को फिर हम सेट बिल्डर नोटेशन में करेंगे. ठीक है, पहले हम रोस्टर नोटेशन में लिखते हैं. अगर हमें पूछा गया है कि फर्स्ट 10
10 नेचुरल नंबर्स को रोस्टर नोटेशन में लिखो तो हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को कोई भी एक सेट ले लेंगे उसको कैसे लिख सकते हैं? विद कॉमास एंड कर्ली ब्रैकेट्स लिख लिया हमने, सिंपली लिख लिया। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर। इसी सेट को अगर उन्होंने बोला इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी डेजिग्नेट करेंगे विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। तो मैंने लेट कर लिया, कोई एन है यहाँ पे, क्या है कोई एन है, आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या कंडीशन डालने के लिए, ठीक है, सच दैट एन क्या है नेचुरल नंबर, या फिर आप लिख सकते हो एन इज, चलो एन इज नेचुरल नंबर। अब कौन सा नेचुरल नंबर है, कहां तक, ये भी तो बताना पड़ेगा। एन लाइज बिटवीन 0, 1, 2, 10 इक्वल्स टू, क्यों डाला मैंने, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड एंड 10 भी। अब यहां पे जो मैंने ये वर्टिकल बार लगाई, इसको भी मैंने इंक्लोज करा कर्ली ब्रैकेट से। अब जो यहां पे मैंने वर्टिकल बार लगाई उसका क्या मतलब है? सच दैट, उसका क्या मतलब है? सच दैट हमने बात करनी है, या ठीक है, एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन लाइज बिटवीन 1 to 9 इसका यही मतलब, 1 to 10। तो हमने क्या किया, पहले अगर 1 की बात करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3। तो इस अकॉर्डिंग हम कंडीशन के साथ, कंडीशन को अप्लाई करना सीख सकते हैं, कंडीशन के साथ लिख सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन को। हम लिख देंगे एन कोई भी एक नंबर, फिर उस नंबर को बताएंगे सच दैट वो नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, वो एन है क्या, बट कितने नेचुरल नंबर तो अप टू इंफिनिटी बहुत होते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर कहां तक है। हमें बोला था 10 तक, तो हमने बता दिया 10 तक, ठीक है। अब और एक बात करते हैं, अगर मेरे पास सेट है ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 नंबर्स के साथ करवा रही हूं मैं आपको, नंबर के साथ बहुत जल्दी समझ आता है, ठीक है, इसलिए नंबर्स के साथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, पहले कंसेप्ट देख लें। तो आपके 1.1 में एक क्वेश्चन है 3, अच्छा ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स टू, ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू। अब इस सेट को 3 बिलोंग कर रहा है, यहां पे क्या होगा 3-A, यहां पे आपने लगाना, अगर बिलोंग कर रहा है तो ये, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो डजन बिलोंग, ठीक है। तो हमने 3 इस सेट को बिलोंग कर रहा है ना, राइट, बिलोंग करने का साइन लगा देंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए 6 क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, डजन बिलोंग, ठीक है। तो हमने क्या करना, बिलोंग्स टू भी सीख लिया, इसके बाद हम देखते हैं। तो हमने अब तक जितना किया, पहले सेट्स की डेफिनेशन की है, तो सेट्स की डेफिनेशन पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 1.1, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, हमने बताना है कौन कौन से इनमें से सेट्स हैं और कौन से नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, मंथ लिखने हैं वो सारे जो जे से स्टार्ट होते हैं, लिख ही सकते हैं हम, इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, उन्होंने फॉर्म नहीं दी किस फॉर्म में लिखना है, जनवरी, जैसे जो जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका हम एक सेट बना सकते हैं, पर्टिकुलर सेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सेट आ गया। अगला देखते हैं, ये हमारे पास क्या एक सेट है, तो उसके बाद ये देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका भी सेट बना ही सकते हैं हम, इजीली बना सकते हैं उनको, उनके नेम से तो लिखने हैं इजीली, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस नेचुरल नंबर्स, उनका भी सेट बना ही सकते हैं हम इजीली, 1, 2, 3, 4 लिखते जाओ, ठीक है, सेट बना सकते हैं उनका भी, तो वो क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब देखो ये कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, हमने बात करी है मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये अब क्या बात होगी कि यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, किसी के लिए मोस्ट टैलेंटेड कोई होगा, किसी के लिए कोई, ठीक है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया, नॉट अ सेट,
ये वेरी करेगा, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा वो सेट नहीं होगा हमारा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, फिर से वही बात होगी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हर एक का ओपिनियन अलग होगा। तो ये क्या हो गया, नॉट अ सेट। हमें क्या चाहिए, सेट या नॉट अ सेट, यही बताना है, वो हम बता रहे हैं इसीलिए। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब ये भी पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी करेगा, अलग अलग इंसान की अलग अलग डेंजरस चीज है। मोस्ट डेंजरस एनिमल नॉट अ सेट, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय राइटर प्रेमचंद, राइटर प्रेमचंद ने जो नॉवल्स लिखे हैं उनकी कलेक्शन बना सकते हैं क्या, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये तो उनकी जो कलेक्शन है उन्होंने जो नॉवल्स लिख दिए तो वही रहेंगे, तो हम उसको एक सेट में रख सकते हैं, उनके नॉवल्स को हम लिख सकते हैं सेट में। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सेट हो गया। क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इसको हम सेट में रख सकते हैं, कितने क्वेश्चंस है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, तो ये तो वैसे भी हमारा फर्स्ट काम होता है कितने क्वेश्चंस है ये चेक करना है, ठीक है ना, तो ये हम इसको सेट में रख सकते हैं इजिली। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, अगर हम इवन इंटीजर्स की बात करें तो उन्हें भी हम सेट में रख सकते हैं, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं करने वाले, जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी वो हमारा सेट नहीं बनेगा, और जो सेम रहेगी वो हमारा सेट देगी। यहाँ पे अब हमने की थी कलेक्शन, ये सारी क्या थी, अब हमारी कलेक्शन की तो बात कर रहे थे, वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड आ रही है ना, ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं हो रही ना, डिफाइन नहीं हो रही प्रॉपर, तो वेल डिफाइंड की बात करें, एंड डिस्टिंक्ट, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो नॉट अ सेट, वो सेट की डेफिनेशन ही नहीं ओबे कर रहा तो सेट क्यों बनेगा। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही तो दे दिए इन्होंने हमें कि 100 तक ले लो, ये क्लास के बॉयज ही ऑब्जेक्ट ही तो है, ये मेंबर्स ही तो है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेट ए, ए हमें सेट दिया है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 का एक सेट है ए, ये हमें सेट किस फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है ना, इंसर्ट करने ये साइन, ये साइन हमने देखा था क्या होता है, साइन हमने सीखा था बिलोंग्स टू और डजन बिलोंग्स, तो हमने देखना है क्या ये बिलोंग करता है, 5 बिलोंग कर रहा है ए को, कर रहा है तो बिलोंग्स टू कर रहा है, 8 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है तो डजन बिलोंग्स टू, 0 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, 4 बिलोंग कर रहा है 4 इसमें है, 2 है यस 2 भी बिलोंग कर रहा है, 10 कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा ना, डजन बिलोंग, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है कैसे लिखते हैं, विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड कॉमास लगा के लिखते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में हमने इनको लिखना है। मैंने तभी जब कंसेप्ट बनाया था तभी बताया था ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट देखते हैं, ए सेट दिया हुआ है, एक्स एक्स एलिमेंट्स है, एक्स वो एक्स है जिसमें एक्स का एक इंटीजर है, एंड एक्स पे एक और कंडीशन दी कि -3 to 7, -3 to 7, बट -3 नहीं हो सकता, इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पे साथ में, ये अगर होता तो -3 लेते, ऐसे 7 भी नहीं है, तो सेट क्या है मेरे पास, ए कैसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली मैंने, तो क्या कहां से लिखेंगे, -3 नहीं लिखना, -3 के बाद -2 -1 0 1 2 कहां तक जाना है, 7 से कम 6 तक जाना है, 4 5 6, ये बन गया मेरा सेट, दैट्स इट। रोस्टर फॉर्म यही होती है ना, कर्ली ब्रैकेट एंड विद कॉमास, ठीक है, सेपरेट कैसे करते हैं, कोमा से, बी बी एक सेट दिया हुआ है, सेकंड एक्स सच दैट एक्स वो सारे एक्स है जो नेचुरल नंबर है, एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स पे कंडीशन क्या है, लेस देन सिक्स नेचुरल नंबर लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट कौन सा, बी दिया हुआ है, लेस देन सिक्स मतलब 5 तक लिखने, नेचुरल नंबर कहां से शुरू करूं, 0 या 1 से, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 होल नंबर्स में आता है, 1 2 3 4 5, तो बन गया मेरा एक सेट लेस देन 6। सी सेट दिया, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, और
नेचुरल नंबर, टू डिजिट वाला नेचुरल नंबर है कोई भी, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो वो 8 है। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 17 है वो एक नेचुरल नंबर है, पर इसको प्लस करके क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। ऐसे नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनको प्लस करके 8 बने, बट वो होने कौन से टू डिजिट, टू डिजिट ही लेने, 3 नहीं लेने, 1 नहीं लेने, 2 ही लेने। तो सी सेट की बात कर रहे हैं, सी सेट तो क्या आएगा, 17 और कौन से होते हैं, 26, 35, 44, ठीक है, 53। मैं यहां से एक ऐड कर रही हूं, यहां पे एक सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली लिख सकते हैं वैसे, 62, 71, 80, ठीक है। इसके बाद तो आएगा नहीं कोई, इंक्रीज ही हो जाएगा 8 से, तो हमारे पास ये बन गया सी सेट। डी, एक्स, वो सारे एक्स जिसमें एक्स प्राइम नंबर तो है, एक्स मैंने क्या लेना है, मतलब मेरे सेट में क्या आएगा, प्राइम नंबर्स आएंगे, बट प्राइम नंबर्स पे भी एक कंडीशन दी हुई है, क्या कि वो 60 से डिवाइड हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, 2, 2 प्राइम नंबर है, क्या वो 60 से डिवाइड होता है, होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लिख दिया। 3 प्राइम नंबर है, क्या वो 60 से डिविजिबल है, है, 3 भी ठीक है। उसके बाद 5 है, डिविजिबल भी है, प्राइम नंबर भी है, डिविजिबल भी है। उसके बाद 7 के डिवाइड होते हैं 60 से, ठीक है। उसके बाद 11 होता है, आप ऐसे ही चेक करोगे आपको कोई और नंबर मिलेगा नहीं, सिर्फ 2, 3 एंड 5 भी प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 60 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हमने फोर्थ किया, फिफ्थ देखते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं, ई सेट की बात कर रहे हैं, जितने भी लेटर्स हैं उन्हें लिखना है, विद कॉमास लिखना है। तो इसमें क्या बात हुई, टी आर आई कॉमा से लिखते थे बस, बट हमने जब भी रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो हमने रिपीटेशन, जब भी रेपिटेशन हो रहा है ना उसको निग्लेक्ट करना होता, जो भी रिपीट हो रहा है उसको निग्लेक्ट करो। जैसे मैंने लिखा टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, ओ, एन, अब ओ रिपीट हो रहा है फिर से, तो मैं फिर से नहीं लिखूंगी, फिर मैं आ गई एम पे, ई, टी, टी भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, आर, आर भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, वाई, ठीक है, ये बन गया मेरा। अगला नेक्स्ट है हमारे पास 6, एफ, सेट ऑफ ऑल, जो भी सेट है वो लिख लेते हैं एफ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन बैटर, बैटर में कौन सी लेटर है, भाई रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, बी कोमा ई कोमा टी कोमा आ, बन गया ये मेरा सेट, दैट्स इट। हमने क्या सीखा, रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमें दिख रहा है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब जब भी बिल्डर फॉर्म कंडीशन लगती है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वही कंडीशन के साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेट का नेम नहीं दिया हुआ ना कोई भी, तब कुछ भी नेम रख सकते हो, ए रख लो, बी रख लो, जो मर्जी रख लो, ठीक है। तो इस वाले की बात करते हैं, 3, 6, 9, 12, ये देखो क्या फॉलो कर रही है, 3 का टेबल फॉलो कर रही है, 3 into 1, 3, 3 into 2, 6, 3 into 3, 9, 3 into 4 is 12, ये फॉलो किया है इसने, मतलब 3 से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब लेट कर लो ना, एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 के साथ एन मल्टीप्लाई होने पे मुझे ये मिल रहा है। आपने ये देखा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होने से मुझे मिल रहा है जो हमारा गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लिखते कैसे, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं, वो सारे एक्स, एक्स वो सारे एक्स लिखेंगे, जहां पे एक्स क्या बन रहा था मेरा, 3 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने पे, 3 को n से मल्टीप्लाई ले लिया था हमने। अब यहाँ पे n के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, अगर आप नेचुरल नहीं भी लिखोगे चलेगा, n की वेरिएशन तो हमने शो कर लिया, n कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई, 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया ये आया, तो 4 तक n की वैल्यूज चाहिए हमें, n की वैल्यूज कहाँ तक चाहिए, 4 तक। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एंड n लाइज बिटवीन 1 to 4, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि वेरिएशन कैसे कैसे हमें सेट गिवन है, कैसे ये फॉलो कर रहा है सेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड,
फिर से रोस्टर फॉर्म दी हुई है ना हमें 2, 4, 8, 16, 32। इसको थोड़ा सा सोचो, ये किस फॉर्म में दी है? 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। चेक करो ये फॉलो कर रहा है। 2 raised to power 1, 2, फिर 2 2 4, 2 into 2 into 2 is 8। ये फॉलो कर रहा है ना, पावर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते होते हैं? x से डिनोट करते हैं वो सारी x जिसमें x है क्या मेरा। 2 raised to power क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। 2 raised to power क्या हो रहा है मेरा, मैं लिखता हूँ n है। अब n के बारे में बताना पड़ेगा, मैंने नया n लिया तो n बिलोंग्स टू नेचुरल n। n की वेरिएशन क्या है, कहां तक जा रहा है n, 5 तक जा रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फाइव, 125, 625। इसको आप देखो, 5, 1, इसको आप खुद से ट्राई करो, सिमिलर है, खुद से ट्राई करो ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस 5 पे वेरिएशन दे रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट है 2, 4, 6, ये भी सिमिलर है इससे, ये भी इससे सिमिलर है। क्या हो रहा है, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 ठीक है। 2 into n आ जाएगा, n belongs to natural, n इसकी वेरिएशन दे दोगे आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वेरिएशन क्या दे दोगे आप, अब यहाँ पे लास्ट पे तो कुछ नहीं दिया, इसको कर लेते हैं एक बार। इसको आप ट्राई करो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। 2, 4, 6 अप टू सोन, बताया नहीं कहाँ पे स्टॉप करेगा ठीक है। तो हमने क्या लिखना होता है इसमें, वो सारे एक्स जिसमें एक्स इज इक्वल टू 2 into something, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 100, 2 into कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे n क्या होएगा, नेचुरल नंबर होएगा। n क्या होएगा मेरा, यहाँ पे नेचुरल होएगा क्योंकि 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, अप टू सोन की बात कर रहे हैं। तो इसके हमने क्या देखा, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। वो सारे x जिसमें x इज एन इवन नेचुरल नंबर ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये इवन नंबर से तो है। वही अगर आपको ऐसे आ जाए 1, 3, 5 अप टू सोन, तो आप क्या लिख लोगे, x वो सारे x जिसमें x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, वैसे ही सेम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1, 4, 9, इसमें बताया हुआ है स्टॉप कहां पे करना है, लास्ट क्या है 100, 100 पे स्टॉप करना है। 1 का स्क्वायर, ये 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ऐसे दिए होते हैं उन्होंने नंबर, उन्होंने स्किप किया हुआ है नंबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वो सारे x जिसमें x है क्या, सॉरी वो सारे x जिसमें x है क्या, 1 का स्क्वायर 2 का, ऊपर आप देखो कॉन्स्टेंट रह रहा है, ऊपर क्या रहना है 2 ही रहना है। वेरिएशन कहां पे आ रही है, नीचे क्या ले लू, n ले लू मैं इसको, वेरिएशन जहां पे आ रही है उसको मैंने क्या लाइक कर लिया n। तो n यहाँ पे क्या है, नेचुरल है मेरे, नेचुरल तो होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, लास्ट क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब n कहां से कहां तक लाई कर रहा है, n लाइज बिटवीन 1 to 10 ठीक है। ये हमने सिंपली क्या किया, सिर्फ आपको रिलेशन, सिर्फ आपको ये इनका रिलेशन समझ आना चाहिए, इनका आपस में रिलेशन कैसे बन रहा है, कैसे ये लिखे गए हैं ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना, इजीली आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है मैं बता रही हूँ, 5, 1, 5 raised to power 2, 5 raised to power 3 इस अकॉर्डिंग ठीक है। आप इसको भी ट्राई करो सेम इस अकॉर्डिंग। हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, सेट के एलिमेंट्स लिखने। अगर हमने सेट को पढ़ के उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म को पढ़ के सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, तो हमारे पास एलिमेंट्स लिखने तो बहुत सिंपल है, सिंपली लिख सकते हैं। ए सेट क्या दिया हुआ है, एक्स वो सारे एक्स जिसमें एक्स ओड नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, वो सारे एक्स जो क्या है ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो लिख दे 1, 3, 5, बताया नहीं कहां पे स्टॉप करना है, तो हम ऐसे लगा देते हैं ठीक है, हो गया सिंपल था। बी, बी सेट दिया हुआ है, मैंने बी सेट लिख लिया। एक्स वो सारे इंटीजर्स लिखने हैं मैंने जिसमें एक्स की वेरिएशन दी हुई है
1/2 to 9/2 इंटीजर्स लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं, इंटीजर्स इंटीजर नंबर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वो लिखने 0.5 होता है इसका मतलब, इसको डिवाइड करके देखोगे तो 4.5 होता है। तो इनके बीच में कौन से इंटीजर आते हैं, -0.5 के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा, फिर क्या आएगा, वन इंटीजर, टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव तक। तो हमने क्या लिखना है, इन दोनों के बीच में जो आते हैं, इन दोनों के बीच में कौन से आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं, और आ रहा है कोई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो वन टू थ्री, दैट्स इट, सिंपल। थर्ड है हमारे पास, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन 4। x एक ऐसा इंटीजर है, इंटीजर है हमारे पास x, जिसमें x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 बन रहा है। लेस देन इक्वल्स टू 4 की बात कर रहे हैं, पुट करके देखें, जीरो पुट करके देखते हैं, जीरो स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो ठीक है, जीरो हमारे सेट में आएगा। अब क्या करते हैं, वन पुट करके देखें, वन स्क्वायर इसमें करके देखें, वन स्क्वायर क्या लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, होता है, ठीक है, वन भी आ गया। -1 भी तो इंटीजर होता है, -1 करके देख लो, -1 का स्क्वायर भी तो लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन 4 ही होता है, बल्कि इक्वल्स टू भी नहीं, लेस देन 4 ही होता है, ठीक है। तो ये भी फॉलो कर दिया, -1 भी लिख दिया। फिर उसके बाद 2 की बात कर ले, लेस देन इक्वल्स टू 4, ये क्या होता है, 4 होता है तो इक्वल हो गया, ये इक्वल का साइन होता है ना, तो मतलब 2 भी फॉलो कर रहा है। वैसे अगर मैं -2 की स्क्वायर की बात कर रही हूँ, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, यस वो इक्वल्स टू 4 हो जाता है, इक्वल भी तो बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो -2 भी आ जाएगा। वही अगर मैं 3 पुट करके देखो, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 4 आएगा, नहीं आएगा, -3 भी नहीं आएगा, तो आगे कोई भी नहीं आएगा, तो हमारा सेट यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, दैट्स इट। बस आपको पढ़ना आना चाहिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, और कुछ भी नहीं है। फोर्थ है हमारे पास, एक्स बहुत सारे एक्स है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, दिस लेटर ऑफ वर्ड, इसमें क्या बहुत सिंपल नहीं है ये, सिर्फ इसके क्या लिखने, एलिमेंट्स लिखने, एल ओ वाई, जो रिपीट कर रहे हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं, बस हो गया। फिफ्थ, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिस जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते वो लिख देते हैं, कौन से सारे लिख दें, फिर आएगा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है, ये लिख दिए सारे हमने, बस। उसके बाद एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की बात करें, ध्यान रखना वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट डिफरेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, के से पहले वाले हमने सारे सेट कौन सा, एफ है, तो हमने के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, ए, ए होता है, ए तो वोवल होता है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ई, ई फिर से नहीं लिखेंगे, वो वोवल होता है, एफ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, आई फिर से नहीं लिखेंगे, वो क्या होता है, वोवल होता है, जे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखने थे, कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, क्या आ गए, बी सी डी एफ जी एच जे, तो हमने क्या करना होता है, इसको करली ब्रैकेट से स्टॉप भी करना होता है। तो ये तो हमारा, इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसे मैचिंग मैच करने हैं, मैथ्स के कॉलम है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड प्लीज हमारे चैनल, प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है अभी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे।